क्या आपने पहले ये रेसिपी बनाई है? अगर नहीं बनाई है तो चलिए इस रेसिपी को हम फटाफट शुरू करते हैं। बहुत ही कम टाइम में बहुत ही टेस्टी और हेल्दी वाला ये खाना है। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम कुकर ले लेंगे। कुकर गर्म हो जाएगा तो उसमें डाल देंगे सरसों का तेल। आप और भी तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं जो भी आप यूज़ करते हैं। उसके बाद हमने बहुत सारी सब्जियाँ कट की हैं यहाँ पर, इसमें डाल देंगे हरी मिर्च, स्पाइसेस यानी तीखा आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, एक प्याज, एक टमाटर, एक गाजर लेंगे हम, थोड़ा सा गोभी, थोड़ा सा लौकी लेंगे। इन सभी को डाल देना है कुकर में और थोड़ा सा बस सॉफ्ट जब तक नहीं हो जाता तब तक इसे हमें पकाना है। तो यहाँ पे इसे हम मिला लेते हैं, अच्छे से चला लेंगे और गैस को हमने लो टू मीडियम फ्लेम पर रखा है। तो यहाँ पे अच्छे से जब सॉफ्ट हो जाएगा तो इसमें डाल देंगे नमक। तो नमक यहाँ पे ऐड करते हैं, नमक हमें इसी टाइम में डाल देना है स्वाद के अनुसार। तो यहाँ पे हमने नमक ऐड कर दिया है, थोड़ा सा चला लेंगे और यहाँ पे दो मिनट के बाद इसमें मसाले ऐड करना शुरू करेंगे। तो थोड़ा सा ये सॉफ्ट हो जाए, नमक डालने से जो सब्जी है वो जल्दी पक जाती हैं। तो यहाँ पर हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, काली मिर्च पाउडर और जीरा पाउडर, इन सभी को थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे, ज़्यादा नहीं ऐड करना है क्योंकि हमें बहुत लाइट वे में बनाना है इसको। तो यहाँ पर मसाले को अच्छे से पका लेते हैं और यहाँ पे ज़्यादा नहीं, कम से कम एक से दो मिनट में अच्छे से मसाले पक जाएंगे। तो उसके बाद इसमें ऐड करेंगे हम चावल। तो चावल मैंने पहले से ही वॉश करके अच्छे से रखा हुआ था, तो एक गिलास चावल इसमें हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पे अच्छे से मसाला पक चुका है तो बारी है चावल डालने की। तो यहाँ पर हम चावल डाल देते हैं। आप अपने हिसाब से चावल डालिएगा कि आपके घर में कितने लोगों, आप चाहे तो सब्जियों के साथ मटर, पनीर और भी चीज़ें इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी आप फेवरेट सब्जी है आप इसमें मशरूम भी डाल सकते हैं, मटर भी ऐड कर सकते हैं और पनीर भी ऐड कर सकते हैं। तो चावल को इसमें हमें कोई भुनना वगैरह तो है नहीं, बस अच्छे से सब्जियों के साथ मिक्स कर लेते हैं। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे पानी। तो यहाँ पे सब्जी है, एक गिलास चावल है, तो इसमें हम ऐड करेंगे डेढ़ गिलास पानी और ज़्यादा नहीं, कम से कम एक सीटी लगेगा उस वक्त ही हमें गैस को ऑफ कर देना है। नहीं तो अगर दो सीटी लगा तो ओवर कुक हो जाएगा चावल, फिर अच्छा नहीं बनेगा। तो यहाँ पर मैंने पानी ऐड कर दिया, इसे चला लेते हैं अच्छे से। उसके बाद इसका कुकर का जो ढक्कन है वो हम बंद कर देते हैं और मीडियम टू हाई फ्लेम पे आप रख सकते हैं। वैसे तो मीडियम फ्लेम पे ही रखेंगे, हाई फ्लेम पे जल्दी सीटी लग जाती है, तो मीडियम फ्लेम पे गैस को यहाँ पे रखेंगे और एक सीटी लगने तक का वेट करेंगे। तो यहाँ पे आप देख, तो गैस को हम यहाँ पे ऑफ कर देते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब ये ठंडा हो गया था, मतलब सीटी निकल गई थी, तो यहाँ पे हमने देखा ये चावल बहुत ही अच्छा खिला खिला बना है। अभी ये गर्म है, थोड़ा सा ये नॉर्मल हो जाएगा, उसके बाद इसे हम प्लेट में निकालेंगे। तो इस तरह से आप अगर बनाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा अच्छा खिला खिला चावल बनेगा और खाने में तो पूछे ही मत, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है ये। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरी ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे नेक्स्ट रेसिपी के साथ। और बहुत ही अच्छे अच्छे रेसिपी मैं लाने वाली हूँ, तो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।